गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 32 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए, विषय आपका हिंदी है, डेट जिसकी 22 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आई एम लहासा की ओर पाठ में लेखक तिब्बत की यात्रा में अब कहाँ पहुँचे, ये जानने के लिए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो तिब्बत की यात्रा वो पर चले थे, अब वो कहाँ पर पहुँचे, कितनी कठिनाइयाँ आई, वो हम देखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गराई नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकों के लिए सबसे अच्छी जगह है ये। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी की सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता कोई। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान ना मारे तो उस खुद प्राण अपने को खतरा हो जाएगा। गांव में उसे मालूम हुआ कि पिछले ही साल तोनला के पास खून हो गया। शायद खून ही हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। तो इसमें गद्यांश में आपको बताया कि वो एक सबसे जो तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है तोनला दाड़े पहुँचते हैं। वो दाड़े सबसे खतरनाक जगह है क्योंकि वहाँ पे कोई आसपास गांव नहीं है, वहाँ पे बहुत निर्जन स्थान है, लोगों का आना जाना भी बहुत कम है। वो डाकुओं के लिए बहुत अच्छा स्थान है पर वहाँ पे डाकू बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। लास्ट एक साल पहले भी वहाँ पे खून हुआ था पर इन्हें इतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि ये भिखमंगे के वेश में थे, यानी ये भिखारी के वेश में थे। अब भिखारी के वेश में अब जो डाकू है वो भी मारेगा क्यों, अब वो देखेगा ये तो भिखारी है, भिखारी के पास तो कुछ होगा नहीं, डाकू तो पैसे के लिए मार रहा है। तो और जब भी वो देखते थे कि कहीं पे खून जैसा या डाकू दिख रहे उन्हें तो वो कूची कूची दया दया एक पैसा ऐसे बोलते थे और अपनी टोपी निकाल के पैसा मांगने लगते थे, मतलब जो वैसे भिखारी की एक्टिंग करने लगते थे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपको। प्रश्न नंबर 1 है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी थी? डांडे, फली कलीपोड, चीनी किला या ल्हासा? तो आपको पता है जो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह डांडे थी। फिर है प्रश्न नंबर 2, लेखक कब कूची कूची कहकर बच निकलता था? तो आप इसका आंसर करेंगे अभी लेखक को डाकू इत्यादि या जब भी लेखक को डाकू इत्यादि मिल जाते थे। लेखक टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते और बचकर निकल जाते। प्रश्न नंबर 3 है, डाकू के लिए ये जगह सबसे अच्छी कैसे थी? तो आप इसका आंसर करेंगे 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उस इलाके के दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं था, इसलिए डाकू के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। प्रश्न नंबर 4 है, हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो आप इसका आंसर करेंगे हथियार का कानून नहीं रहे इसलिए था क्योंकि और यहाँ के लोग जैसे हम गांव में क्या होता है लोग लाठी लेके घूमते हैं, वहाँ पे लोग पिस्तौल बंदूक ऐसे हथियार लेके घूमते थे, इसलिए यात्रियों को लूटता था, मारे जाने का भय रहता था। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, गांव पहुंचकर लेखक को क्या मालूम हुआ? तो आप इसका आंसर करेंगे गाँव पहुँचकर लेखक को मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोंडला के पास खून हो गया था। अब तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आपको निर्जन शब्द दे रखा है, इसका संधि विच्छेद बताना है। निर प्लस जन, नी प्लस जन, निर्ज प्लस अन या निर प्लस जन। तो इसका का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, निर प्लस जन आपका इसमें सही हो जाएगा, इसका निर्जन का संधि विच्छेद निर प्लस जन हो जाएगा। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।